सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। और आज प्रजापति दक्ष में अभिमान आया, मद आया, और उसके पश्चात क्या हुआ कि उसने ऐसे सत्र का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं ऋषि मनीषियों को बुलाया, लेकिन उन्होंने भोलेनाथ को न्योता नहीं दिया। और जब समस्त देवी देवताओं को आकाश मार्ग से जाते हुए उसी समय सती मां ने देखा तो झट से भोलेनाथ के पास आई। नाथ, आप जानते हैं मेरे पिता का यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है, चलिए ना नाथ मेरे पिता के घर चलिए। भोलेनाथ ने कहा, न्योता मिला? कहते तो क्या हुआ, न्योता नहीं मिला, भागदौड़ में भूल गए होंगे। भोलेनाथ ने कहा, बिना बुलाए अगर तुम जाओगी तो सती तुम अपना मान भंग सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री हो और स्वभाव से अभिमानिनी हो, और एक मान वाले व्यक्ति का सम्मान ना हो तो वो बहुत तिल मिलाता है। आपको इसी बात पर एक घटना सुनाती हूँ। एक बार एक नेता, आपको क्या नेताओं की बड़ी धुलाई हो रही है, एक बार एक नेता अपने भतीजे को लेकर गया किसी सभा में। लोगों ने फूलों की वर्षा की, बैंड बाजा बजाया, नेताजी पधार रहे हैं, स्वागत सत्कार हुआ, फूलों की वर्षा हुई और उनको सम्मान स्वरूप उनके गले में माला पर माला डाली जा रही, माला का ढेर यहां तक हो गया। भतीजा देख रहा है चाचा को, चाचा बड़ा तेरी पूजा होती है, तूने तो नेतागिरी में बड़ा सम्मान कमा लिया। और धीरे से भतीजा चाचे को कोहनी मारता है, क्यों चाचा से बड़ी माला पड़ रही है फिर भी मुंह लटका के बैठे हो? कहते लटकाने की तो बात है। कहते क्या हुआ चाचा जी? कहते 100 लोगों को पैसा दिया था माला डालने का, अभी 60 ही माला डली है, 40 वाले तो आए ही नहीं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है समाज में, जो अपना सम्मान भी खुद करवाने के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग इनसे भिन्न होता है जो सचमुच में समाज के लिए कार्य करता है। और प्रजापति दक्ष जो अभिमानी है, उनका कार्य था समाज के लिए कार्य करना, लेकिन आज वो खुद ही प्रतिशोध की भावना में भरे बैठे हैं और अपने जमाता और पुत्री को न्योता भी नहीं दिया। लेकिन सती ने आज अपने स्वामी से पिता के घर में जाने की जिद कर ही ली, और जैसे सती ने जिद की तो भोलेनाथ ने कहा, देखो सती, बहुत भटकने वालों की मन और बुद्धि भटक जाया करती है, मैं अभी भी कहता हूँ यहाँ पर रहो, भजन सुमिरन करो। पर सती नहीं मानी, परिणाम स्वरूप नंदी और अन्य गण सती माँ के साथ चले और वो उनके पिता के घर। जैसे सती स्वामी की अवज्ञा करती हुई पिता के घर पहुंची तो बड़ा भारी उत्सव था, सब आए हुए थे, क्या चहल पहल थी, क्या तैयारियां थी, क्या प्रबंध थे। सती मुग्ध हो रही है, इतना भारी उत्सव, मेरी उपस्थिति में पिताजी ने कभी इतना भारी उत्सव नहीं किया। वो देख रही है सभी देवताओं का यज्ञ भाग और सिंहासन लगा है, लेकिन उसमें भोलेनाथ का कोई सिंहासन नहीं लगा। अन्य जमाताओं का सम्मान हो रहा है, बाकी बेटियां भी आई हैं, सती अपनी बहनों का सम्मान होता देख रही है, लेकिन वहां सती को और भोलेनाथ का सिंहासन लगाने वाले की भरपूर कमी है, किसी ने सती को देखा भी नहीं। सती इस अपमान को तो पी गई कि किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन अपने स्वामी का अपमान नहीं भूल पाई। कहने लगी, पिताश्री, आपने मेरे नाथ के लिए कोई सिंहासन नहीं लगाया, आपने मुझे कोई न्योता नहीं दिया, अपना घर समझकर मैं तो चले आई हूँ, लेकिन मेरे स्वामी का यज्ञ भाग कहाँ? प्रजापति दक्ष ने कहा, किस अपेक्षा से यहाँ आई हो, बिना बुलाए चली आई, क्या तुम्हें लोक मर्यादा नहीं रही? अरे क्या यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए थे? लगता है उस निर्लज के साथ रह रहकर तुम सारी संस्कृति और मर्यादा का भान भूल गई हो। सती कहने लगी, नहीं पिताश्री, मेरे स्वामी का अपमान मत करो। दक्ष कहने लगे, अच्छा, उस भांड के साथ रह रहकर स्वांग करना भी सीख लिया, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, आपने उन्हें भोलेनाथ का अपमान किया।
क्योंकि ये शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है, आपके द्वारा उत्पन्न शरीर में एक पल भी रखने को तैयार नहीं हो। और उसी समय सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। सती माँ ने जैसे योग अग्नि में स्वयं को स्वाहा करने का प्रयास किया और सती माँ स्वाहा हुई तो नंदी उसी समय कराहा उठा और द्रुत गति से रुदन करते हुए भोलेनाथ का आह्वान किया। भोलेनाथ को जाकर बताया, माँ सती हमें छोड़कर चली गई है। उनका वहाँ बड़ा अपमान हुआ और भोलेनाथ ने जैसे ही गाथा सुनी, ये दुर्घटना सुनी, भोलेनाथ आवेश में आ गए, मानो भोलेनाथ प्रलयकारी रूप धारण करने को उद्यत है। और जैसे अपने सिरकी से एक जटा निकाली, उन्होंने उसी वक्त कहा, वीरभद्र प्रकट हो, प्रकट हो वीरभद्र, प्रलयकारी बेला समीप है, अब यज्ञ में जाकर यज्ञ को शमशान भूमि बना दो, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सती विरोधी कोई भी वहां पर जीवित नहीं रहने पाए। जहां सती का अपमान है, जहां भोलेनाथ का अपमान है, वो यज्ञ पूजनीय हो ही नहीं सकता, वो यज्ञ कभी सफल हो नहीं सकता। जाओ वीरभद्र जाओ, मैं तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म सौंपता हूँ। और वीरभद्र कराल काल का रूप धारण कर आकाश मार्ग से सीधा यज्ञ मार्ग में पहुंचा और देखते ही देखते वीरभद्र ने यज्ञ भूमि को शमशान भूमि बना दिया। जो भी मार्ग में आ रहा है उनको काटता चला जा रहा है, जो भी उसका विरोध करता है वो जीवित नहीं बच रहा। और उसी समय जैसे ही वीरभद्र ने अपना आतंक मचाया और जो जो मार्ग में अवरुद्ध बनकर सामने आ रहा है, मार्ग अवरोधित कर रहा है, वीरभद्र के हाथों और काल का कलेवा बनता जा रहा है। और ऐसे समय में जब समस्त देवी देवता सामने आए और आर वीरभद्र को किसी बात का भार नहीं, सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे हैं, और प्रजापति दक्ष ने जैसे तलवार उठाकर सामना करना चाहा तो वीरभद्र ने अपनी तलवार से प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति दक्ष उसका यज्ञ तो विध्वंस का रूप बना ही और स्वयं भी वो बिना सिर के धरती पर धराशायी हो थर थर कांप रहा है। सारे देवता त्राही त्राही कर उठे। उन्हें अपराध बोध है कि जिस यज्ञ में हमारे भोलेनाथ का सम्मान नहीं, उस यज्ञ में सम्मान पाने हम कैसे आ गए। और अगर प्रजापति दक्ष पथ भ्रष्ट हुए थे, हमें तो उन्हें मार्ग दिखाना चाहिए था, लेकिन हम उसके समर्थक हो गए। लेकिन आज इधर वीरभद्र ने तो यज्ञ भूमि शमशान भूमि बना दी, लेकिन भोलेनाथ का रोष शांत नहीं है। सभी देवी देवता जानते हैं अगर भोलेनाथ ने ऐसे समय में तीसरा नेत्र खोल लिया तो आखिर होगा क्या। और आज इधर भोलेनाथ को जैसे वो रिझाने के लिए कैलाश लोग चल पड़े, भोलेनाथ को रिझा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ बिल्कुल शांत नहीं हो रहे। आज भोलेनाथ प्रलयकारी मुद्रा में प्रचंड क्रोध में आज तांडव करने के लिए उद्यत हो गए और आज उनके तांडव को रोकने का साहस किसी में नहीं। और आज तांडव कैसे कर रहे हैं हमारे भोलेनाथ, आइए एक छटा देख लो। तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, सबके कष्ट हरे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, सबके कष्ट हरे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, सबके कष्ट हरे शिव भोला, सबके कष्ट हरे शिव भोला, अरे सबके कष्ट हरे शिव भोला, वो तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, ओ तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे, तालियों से सेवा करते हरिवा। Thank you.
देवी देवता शिव को पुकारे, हो देवी देवता शिव को पुकारे, देवी देवता शिव को पुकारे, बेलपति के जाकर द्वारे, देवी देवता शिव को पुकारे, हो देवी देवता शिव को पुकारे, देवी देवता शिव को पुकारे, बब से पार करे शिव भोला तांडव नृत्य करे, भव से पार करे शिव भोला तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला तांडव नृत्य करे, बम बम भोले भोलेनाथ, त्रिलोक के राजा पूरण कर दो सबकी आशा, पूरण कर दो सबकी आशा, पूरण कर दो सबकी आशा, विनती सुनो त्रिलोक के राजा पूरण कर दो सबकी आशा, ओ पूरण कर दो सबकी आशा, झूमी पैरों में क्या डाला,
पैजनिया घुंगरू फिर क्या किया, नाची, तो भगवान को रिझाना नहीं है, ऐसे कैसे बैठ सकते हो? हाँ जी हाँ जी, अपने भगवान को कैसे रिझाना है? जो ताली बजा सकता है बजाए, जो नाचने का सामर्थ्य रखता है लेकिन अपने प्रभु के नाम के लिए, वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हो जाए। भोले को भाई ना लाडू वा पेड़ा। रुकिए चंचल जी महाराज, चंचल का ना बिखेरे। यहाँ तो भक्तों और उनके दीदी के बीच में संवाद चल रहा है, कैसे रिझाएंगे? हाँ जी बताइए। हाँ चलेगा, हो जाइए फिर, खड़े हो जाइए। क्या बात है, आप भी बाबा, आप तो उठ ही जाइए। हाँ जी आप भी। अरे प्रभु के भक्त महात्मा योगी तो बैठ ही नहीं सकते, बैठने का समय कुंदराओं में, अब तो कुंभ प्रयाग राज में आए हैं। ये भक्ति की छटा, ये अध्यात्म की धरती, ये त्रिवेणी संगम, यहाँ तो भक्ति में गोता लगाइए गोता। हाँ बाबा खड़े हो जाइए, सब महात्मा समाज। इनका नाम जपे जाजू बासे, इनका नाम जपा जाजू बासे, लागे ना कोई मोल रे, हरे हरे बम बम बोल रे, हर हर बम बम बोल रे, हर हर बम बम बोल रे, हर हर बम बम बोल। शिव का नाम जपे जादू बाचे, शिव का नाम जपे जादू बाचे, लागे ना कोई मोल रे, हर हर बम बम बोल रे, हर हर बम बम बोल रे, हर हर बम बम बोल रे, हरे हरे बम बम बोल। भोले को भाई ना लाडू बा पेड़ा, भोले को भाई ना लाडू बा पेड़ा, भांग कहाँ से, भांग कहाँ से, भांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला ना माने, भांग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला ना माने। करे शिव भोला,
भोला बाबा नृत्य करे दीनादि बाबा जी नृत्य बाबा करे तांडव नृत्य करे शिव भोला तांडव नृत्य करे तांडव नृत्य करे शिव भोला तांडव भोले देवी देवताओं का आराधन उनकी भाव अर्चना ने भोलेनाथ के प्रलंबकारी तांडव को उनके आनंद रस में परिणत कर दिया। भोलेनाथ सभी की स्तुति से उनकी भाव अर्चना से प्रसन्न हुए और उनका रूप सौम्य हो गया। भोलेनाथ, इसका अर्थ क्या है? जो भोलों का नाथ है, क्या उसे भोलेनाथ कहते हैं? लोग कहते हैं, अरे उनका नाम आशुतोष है। ओम आशुतोषाय नमः। आशुतोष का अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। आशु अर्थात शीघ्र, तोष मैंने प्रसन्न, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। लेकिन याद रखिएगा, मेरे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो मात्र भोलों के नाथ नहीं है, वो भोले भाले हैं। अब आपको के भोले भाले का मतलब, वो उनके लिए भोला बन जाता है जिनका मन साफ है, लेकिन जिनके मन में पाप है, जिनके मन में अपराध दुराचार है, उसके लिए वो भाले का भी काम करना जानता है। ये है मेरा भोला भाला। राज भोलेनाथ ने प्रजापति दक्ष की स्थिति को देखा और कहा, तुम्हें याद है, समस्त देवताओं से ये संबोधित किया उन्होंने कि मेरे भक्त नंदी ने कहा था प्रजापति दक्ष को कि तेरा मुख बकरे के समान हो जाए, आज इसका सिर नहीं है, अब इसको सिर लगेगा तो बकरे का लगेगा, क्योंकि भगवान भक्त की वाणी और संत के आशीर्वाद को स्वयं पूरा करता है अगर भक्त सच्चा है। दुनिया संतों से आशीष पाने के लिए इस त्रिवेणी प्रयाग राज की धरती पर इस अर्धकुंभ महोत्सव में आई है। गुफाओं कंदराओं से भी निकल निकल कर महात्मा इस धरती को पावन करने आए हैं। कईयों का त्याग, कईयों की तपस्या, ना जाने भगवान कब उन संत की वाणी को अपनी वाणी बना देंगे, कोई नहीं जानता। उस ईश्वर पर भरोसा रखिए, उनके त्याग का सम्मान करिए जो इस पथ पर चल रहे हैं। आप हमारे जीवनचर्या को स्वयं देखिए, संतों का सदैव हम सम्मान करते हैं, लेकिन परम संतों का जो सचमुच में त्याग की मूर्ति है, भले हम पाखंड के समर्थक नहीं है, लेकिन हम हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म जो वैज्ञानिक है, जो आध्यात्मिक है, उसके 100% हम समर्थक हैं। आज की युवा पीढ़ी का अंग होने के बावजूद भी हम भक्ति से भागे नहीं हैं। जिस प्रकार आज का युवा वर्ग स्वयं को शिक्षित मानकर दूसरों के प्रति निरादर भाव रखता है, मत रखिए। संत के वचन अटपटे झटपट लखे ना कोई, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होई, चटपट दर्शन होई। संत चाहे तो ईश्वर से मिला सकते हैं। संत सच्चा है, प्यास अगर आपकी सच्ची है तो ईश्वर दर्शन को कोई रोक ही नहीं सकता। दुनिया की कोई बाधा आपके जीवन में आ ही नहीं सकती। फिर वो बाधा अगर आती है तो उसे दूर करना उसका कार्य होता है।
आज नंदी का वचन चरितार्थ किया, प्रजापति दक्ष को जीवन दान तो दिया, लेकिन उसके मुख के स्थान पर बकरे का मुख लगा, पश्चाताप भी है और अपना उसी मुख से अब वो अपना प्रजापति के पद के कर्तव्य का वो निर्वाह करे। आपने प्रजापति दक्ष और भोलेनाथ का इस प्रसंग में मनोमालिन्य श्रवण किया। प्रजापति दक्ष क्या है? प्रजा के संचालक, सृष्टि को कौन से नियम देने हैं, सृष्टि में कौन से कानून होने चाहिए, कौन सी संस्कृति परंपरा का आगे निर्वाह होना चाहिए, ये दक्ष की कार्य प्रणाली में आता है, इसलिए उसे प्रजापति कहते हैं। वो भौतिकतावाद का प्रतीक है। दक्ष चाहते हैं दुनिया में विकास होता रहे, दुनिया तरक्की करे, दुनिया भौतिकतावाद में आगे बढ़े। और भोलेनाथ अध्यात्मवाद के परिचायक हैं, क्योंकि अध्यात्म और आनंद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भौतिक जगत का आनंद के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। पैसे से हम सुख सुविधा खरीद सकते हैं, घर में उपकरण जुटा सकते हैं, घर में भरपूर सुविधाओं भरे साधन ला सकते हैं, लेकिन मुझे दुनिया की किसी ऐसी हाट का पता दो जहां आप पैसा देकर आनंद खरीद लाए, ऐसी कोई हाट नहीं मिलेगी। हाट पर आनंद नहीं मिलता। आनंद पाने के लिए आत्म मंथन में उतरिए। आनंद पाने की एक उदाहरण दूं, एक धनाढ्य सेठ था, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे का अपार धन, लेकिन उदर रोगों से पीड़ित है, चाहकर भी भोजन नहीं कर सकता। इतनी सुविधा साधन है कि अगर उसे 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़े, उसे चलने की आदत छूट गई, अपाहिज जैसी स्थिति। चाहता है तो खा नहीं सकता, लंबी दौड़ दौड़ना चाहता है, पद यात्रा करना चाहता है, कर नहीं सकता, और परेशानियां सांसारिक जगत की, और जीवन से आनंद रस ही गायब हो गया। एक दिन किसी उपवन में बैठा था और सामने एक वृद्धा स्त्री बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रोज आती उस उपवन में। एक महात्मा गुजरे, धनाढ्य से कहने लगे, कैसे हो? कहते महाराज क्या होना, देख रहा हूं दुख। कहते उस वृद्धा को देख, दुनिया जहान की उसने खुशियां खरीद रखी है, और तेरे पास दुनिया जहान का पैसा है, फिर भी खुशियां तेरे पास नहीं। जानते हो उसने खुशी कैसे पाई? कहता नहीं। कहते कल जब ये इसी उपवन में आई, इसे यहाँ पर 2 गरीब बच्चे मिले, उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, उससे कोई वस्तु खरीदी, खाद्य पदार्थ खरीदा, इन 2 बच्चों को खिलाया, दोनों बच्चे प्रसन्न होकर उसके गले लिपट गए। अब ये रोज उपवन में आती है, 10 रुपए अपनी झोली से निकालती है, जितनी उसकी सामर्थ्य बनता है उससे वो उन लोगों को भोजन कराती है जिनके पास भोजन नहीं। इसने अपनी थोड़ी सी दान राशि से दुनिया की खुशियां खरीदनी शुरू कर दी है। पैसे से आनंद नहीं मिलता। उस पैसे को जब हम ऐसे निर्धन, दिव्यांग, जरूरतमंद लोगों पर लगाते हैं, दुनिया जहान का आनंद आपके घर आ जाता है। हम नहीं जानते, इस चीज को समझिए। आज उन बच्चों का उपचार हुआ, ऑपरेशन हुआ, रोज एक विजिट करे। ऑपरेशन के बाद वो बच्चे जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, उनकी फिजियोथेरेपी यहां तक चल रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, उपचार हो रहे हैं, नित्य प्रति ऑपरेशंस चल रहे हैं, और जिनके ऑपरेशंस होते हैं उनके परिवार के चेहरे की खुशियां जब मुख पे आती है तो नारायण सेवा संस्थान परिवार सारी खुशियां बटोर लेता है और उन्हीं बटोरी हुई खुशियों को फिर आगे बटोरने के लिए चल पड़ता है। आप भी बटोरिए, करिए इनके लिए कुछ, करिए। मैं चाहती हूँ भगवान दुनिया जहान की खुशियां आपकी झोली में, आपके घर के आंगन में पहुंचा दे, और आप भी खुशहाल हो, आप भी प्रसन्न हो जाए।